हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने कहा वीकेंड एंजॉय करते करते आपको एक BTC की ट्रेड दे देते हैं, क्योंकि BTC अपने सपोर्ट के पास पहुँचा हुआ है। तो इस वजह से आपको हमने कहा BTC की ट्रेड दे देते हैं 4x के अंदर। तो शुरू करते हैं अपना BTC का एनालिसिस। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। तो अब हमने पहले यहाँ पे H4 का चार्ट ओपन किया। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं BTC की रेजिस्टेंस। तो हाई रेजिस्टेंस है BTC की, वो 64,000 की है। और ये अब हम लगा रहे हैं सपोर्ट यहाँ पे। ये हमने सपोर्ट लगा ली और पूरी कर लेते हैं सपोर्ट। तो अभी हम मार्केट में हमें बाई का ट्रेंड मिल सकता है H4 के चार्ट के अंदर। हम अच्छा BTC के ऊपर अर्न कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ BTC क्या ट्रेड है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपको क्या साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने मुझे बिल्कुल ज़रूर बताना है कमेंट के अंदर कि आपको यहाँ पे कौन सा साइन नज़र आया। ये आप देख सकते हैं, सॉरी, ये और ये रीटेस्ट हुआ और मार्केट बाय में है। अब मुझे इतनी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट बाय के अंदर है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे मार्केट के अंदर देखा सीन। अब मैं आपको बताता हूँ, ये है इन्वर्स हेड इन शोल्डर। इन्वर्स हेड इन शोल्डर यानी कि एक हेड इन शोल्डर होता है, इन्वर्स हेड इन शोल्डर यानी कि उल्टा हेड इन शोल्डर। रीटेस्ट है मार्केट और फिर मार्केट बाय में है बुलिश के अंदर। अगर मार्केट इसको रीटेस्ट ना करती तो मार्केट फिर सेल में होती, तो मार्केट बाय में है। तो अभी मैं आपको ज़रा इसको और बड़ा करके दिखा देता हूँ कैसे है इन्वर्स हेड इन शोल्डर। ये देखें और ये देखें, ये आ गया, ठीक हो गया, ये आ गया। मार्केट रीटेस्ट हुई और वापस गोइंग बाय, मार्केट बाय में है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मार्केट बाय में है। तो आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं मार्केट के अंदर, BTC के अंदर। वैसे भी आप बाय की ट्रेड ही लें तो बेस्ट रहता है, सेल की ट्रेड में आप ज़रा ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि BTC ने इंशाल्लाह बाय में ही जाना है। लास्ट टाइम भी मार्केट यहाँ तक ही आई थी, मार्केट की बड़ी हैवी सपोर्ट है ये, कि मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ पर रिजेक्शन मार्केट को मिलती हैं और मार्केट वापस बाय में है और बड़ी हैवी किस्म की बाय में गई है। ये देखें फिर वापस नीचे आ जाती है, ये देखें यहाँ से फिर इसको रिजेक्शन मिली मार्केट को, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई। और अभी आप मार्केट ज़्यादा भी आई तो मार्केट नीचे कितनी आ सकती है, 42 तक आ सकती है, लेकिन मार्केट ने इंशाल्लाह जाना बाय में ही है। अब हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ जाए बाय में, मार्केट कहाँ जहाँ तक भी आ सकती है और मार्केट यहाँ ऊपर तक भी आ सकती है बाय के अंदर। और मैं आपको H1 के चार्ट के, डे वन के चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ ज़रा। ये आप देखो डे वन के चार्ट के ऊपर, यहाँ पे भी मार्केट के ऊपर बड़ा हैवी सेंस बना हुआ है। ये देखें इतना बड़ा हेड एंड शोल्डर, ये अगर मार्केट अब आ भी सकती है ना तो तकरीबन मार्केट आएगी ऊपर। अगर जाए, अगर मार्केट बड़ा हेड एंड शोल्डर तो मार्केट यहाँ से भी सेल कर सकती है, लेकिन H4 के हिसाब से हमें मार्केट बाय में नज़र आ रही है। तो हम इजीली ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आराम से 45 तक तो आ ही सकती है, क्योंकि बड़ा हेड एंड शोल्डर की जो बन रही है रिटेस्टिंग वो 46-45 की बन रही है। तो मार्केट 46-45 तक आ सकती है। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा हेड एंड शोल्डर बना है मार्केट के अंदर, और ये कितने दिनों के बाद बना है, कितने मंथ्स के बाद बना है, कितनी कैंडल्स के बाद। डे वन का चार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तकरीबन 2-3 मंथ्स के बाद ये चार्ट बना है यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।